बालोतरा जिला बने, चारों विधानसभा शिवाना, कुड़ामालानी, बाइतू और पचपदा विधानसभा के सभी लोगों की ये भावना है और प्रशासनिक तौर के ऊपर भी जायज है कि बालोतरा जिला बने, बाड़मेर संभागीय मुख्यालय बने। चार जिलों से संभागीय मुख्यालय राजस्थान में बने हुए हैं। जो भी लोग विवाद करना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ये विवाद नहीं करें, चाहे क्षेत्र कौन सा शामिल होना चाहिए उसके संदर्भ में और चाहे सरकारी दफ्तर कहाँ बने, क्योंकि अब ये सवाल भी नहीं है। हम लोगों की अकाउंटेबिलिटी लोगों के लिए, हम भूमाफियाओं के एजेंट नहीं है कि जिला मुख्यालय कहाँ बनना चाहिए और कहाँ नहीं बनना चाहिए। और जो भी ये विवाद कर रहे हैं उन तमाम लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आज ये प्रश्न ही नहीं, आज इकलौता प्रश्न ये है कि बालोतरा जिला बनना चाहिए और एक ही अवसर है। प्रशासनिक तौर पर यह बाध्यता नहीं है कि बजट के अंदर ही जिले की घोषणा हुई, पर यह अवसर है 10 तारीख को जब बजट प्रस्तुत हो रहा है उस दिन हमारे जिले की और संभागीय मुख्यालय की घोषणा अगर इस जिले के अंदर हुई। एक लंबी फहरिस्त है, अभय सिंह जी राजपुरोहित कालोड़ी वालों से लेकर मेवाराम जी मेहता, मदन कौर जी, चंपालाल जी भाटिया से लेकर आज जो जनप्रतिनिधि है उन सब लोगों की भावना है। और अमराराम जी को मैं सलाह देना चाहता हूँ, अमराराम जी ये सिर्फ पचपदरा से जिला नहीं बन रहा है, ये जिला चारों विधानसभा से बन रहा है। तो आप लोग अपनी आपस के अंदर राजनीतिक स्क्वायर जो स्कोर सेटल करना चाहते हो या श्रेय लेना चाहते हो उसके नाम पर ये विवाद नहीं करो। चारों विधानसभा क्षेत्र के हर नागरिक की ये भावना है, श्रेय अगर जाएगा तो यहाँ के तमाम नागरिकों को जाएगा बालोतरा जिले के। सिर्फ बालोतरा जिला नहीं, बाड़मेर संभाग मुख्यालय भी, इन दोनों के संदर्भ में अभी भी वो ताकतें जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जयपुर में बैठी हुई, अपने नीत स्वार्थ के कारण कि कैसे ही करके ये निर्णय नहीं हुई, और कई ऐसे प्राइवेट ब्रोकर भी बैठे हैं उनका कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई फाइनेंशियल कनेक्शन भी हो सकता है कि यहाँ बनना चाहिए और वहाँ बनना चाहिए। हम लोगों के लिए सिर्फ हम लोगों की अकाउंटेबिलिटी है तो यहाँ के जनता के लिए हुई, कहीं भी मुख्यालय बने, कुछ भी क्षेत्र इसके अंदर शामिल हुई, पर बालोतरा जिला बनना चाहिए और बाड़मेर संभागीय मुख्यालय बनना चाहिए। पर दिल्ली और जयपुर के लोगों का बालोतरा के जिला बनने में क्या स्वार्थ हो सकता है, उनका क्या नहीं, हर जगह हर के अंदर स्वार्थ होता है, पूरी दुनिया जानती है ना। अडानी जी के साथ में जो कुछ भी हुआ है उसके अंदर किसका स्वार्थ था और किसके स्वार्थ नहीं था, ऑर्गेनाइजर RSS ने वो स्पष्टीकरण दिया कि वो पत्रकार देश के हित में काम कर रहे हैं, वो देश में अहित में कर रहे हैं, तो क्या RSS जैसी संस्थाओं के लिए हित में था या अहित के अंदर था, ये आप सब लोग जानते हो। पर अब ये मौन है, देश के अंदर सब आवाजें मौन है कि वो सच्चाई है, उन लोगों के संदर्भ में बोलना नहीं चाहती है, इसलिए ये आज शांत और मौन है।